अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री राजेश खटारे ने अपने अन्य पदाधिकारियों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए सफाई कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की मांग दोहराई है। ज्ञापन के जरिए उन्होंने बताया कि नगर पालिका के करीब 250 से ज्यादा संविदा कर्मचारियों को वेतन बढ़ाने की प्रक्रिया चली है। अन्य जगहों पर वेतन बढ़ाया गया है, विदिशा नगर पालिका से वेतन नहीं बढ़ाया। वहीं दूसरी ओर नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ यहां तक नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विदिशा में नगर पालिका कर्मचारियों को कोरोना काल में मृत हुए थे, उनके परिजनों को भी परिवार के सदस्य को नौकरी का मुआवजा राशि दी जानी चाहिए। गंजे बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। मैं राजेश कटारे, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन का राष्ट्रीय महामंत्री। आज के संदर्भ में आज भाई साहब हमारा मेन उद्देश्य, हमारा जो सफाई कामगार हैं विदिशा नगर पालिका कार्यरत, उनकी सफाईदारों की मांगों को लेकर हम काफी 2-4-5 साल से चलते लड़ाई लड़ते चले आ रहा हूँ। उनकी मांगों का निराकरण नहीं हो रहा है। वो माननीय कलेक्टर साहब को बार बार हम अवगत करा रहे हैं, लेकिन हमारी मांगों का जो नियम से हमारा जो निराकरण होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। जैसे सातवा वेतनमान सब जगह भुगतान हो गया, विदिशा में नहीं हुआ है। अभी वर्तमान में 4 जुलाई को हमारे यहाँ पूरे मध्य प्रदेश शासन की तरफ से जो हमारे समुदाय में सफाई काम कर रहे हैं, समुदाय वालों को तनख्वाह बढ़ाने का आदेश हुए हैं, उसके संबंध में भी वो आदेश की पापी भी हमने लगा दी है, जो कि हमारे समुदाय वालों को 4,000, 3,000, 5,000 दे रहा है। तो उनकी तनख्वाह बढ़ाने की भी बात चलती आ रही है, और वो भी करीबन 250 कर्मचारी हैं हमारे, ड्राइवर भी हैं उसमें, हमारे सफाई कामगार भी हैं, कचरा देने वाले भी हैं। वो सब काम वो करने के बावजूद भी उनको पूर्ण रूप से जो मजदूरी मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है, और जो हमारे परमानेंट कर्मचारी हैं उनका सादा वेतनमान नहीं मिल रहा, और जो विनियमितीकरण में जो इतने मृत्यु हुई है जिनकी, वो मृत्यु के बाद उनके परिवार सहानुभूति के आधार पे उनको जो है एक परिवार के सदस्य को नियुक्ति दी जाए वो भी नहीं देना है। जो कोरोना में ख़त्म हुए हैं उनको भी किसी तरीके से नियुक्तियाँ नहीं दी जा रही हैं। तो इसलिए अनुकंपा नियुक्ति वाले प्रकरण भी जो अभी संबंध इसमें कोरोना काल में जो ख़त्म हुए हैं, उनके परिवार के लोगों को एक नियुक्ति दी जाए जो कि उनका पालन पोषण चलता रहे। और अभी जो हमारे यहाँ जसपाल यादव है, पानी की टंकी में जो एक्सपायर हुआ है, उसमें जो हमने अभी दिया लिख के कि अभी वर्तमान में जो उसके परिवार के एक सदस्य को नियुक्ति दी जाए, 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाए, और उसके परिवार में एक विकलांग बच्चा है, वो इतनी स्थिति ख़राब है उस बच्चे की कि मैं क्या बताऊँ, परिवार की स्थिति बहुत ख़राब है भाई साहब। और जो अधिकारी हैं जिनके कारण जो उसकी मृत्यु हुई है, उन अधिकारियों के खिलाफ़ में हमने रिपोर्ट की बात करी है, FRI की जाए उनके नाम से, और वो हमने उसमें ज्ञापन में दिया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।